हेलो साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा एटीएम में पैसा कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले आप अपना कैश काउंट कर लेते हैं। आइए गिनो। सबसे पहले हम अपनी जो हमको कैश डालना है वो अपना कैश हम काउंट कर लेते हैं। ये देखिए मशीन में, जितना भी कैश हमको डालना है वो सारा कैश हमें इस मशीन में काउंट कर लेना है, यानी कि गिन लेना है। तो जैसे कि मेरे पास पैसा कम ही है तो आज मैं कम ही डाल रहा हूँ, ये मशीन मतलब बता रही है। मैं ये काउंट करने के बाद ना हमें एक अपने ब्लैंक पेपर पर लिख लेना है। सही है, ठीक है, मैंने अपना अमाउंट लिख लिया है। और उसके बाद में चलते हैं हम अपने एटीएम मशीन में। तो एटीएम मशीन में हम अब लगाएंगे इसका जो कीस है उससे हम एटीएम की मशीन अंदर ओपन कर लेंगे। ये की लगाएंगे और दोस्तों इसका पासवर्ड जो है वो मैं आपको शायद नहीं दिखा सकता हूँ। ये देखिए मैंने पासवर्ड डाल के अपना एटीएम मशीन के अंदर जो है वो खोल लिया है। अब मैं अपनी क्रेडिट निकालूँगा। निकालिए, ये होता है पर्ज। पर्ज में जो बेकार नोट होते हैं वो पर्ज में गिर जाते हैं। उसके बाद में इसमें ये क्रेडें लगी होती हैं, 500 की, 100 की, फिर 100 की। ये देखिए, ये इस तरीके से क्रेड होती है। इस क्रेड में हमें पैसा डालना होता है। तो जो हमने नोट काउंट किए हैं वो काउंट करके नोट हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से ये देखिए क्रेड हमने लगा दी है और ये फिट कर दी। फिट करने के बाद दोस्तों जैसे ही ये नोट हमारे सारे सही हो जाएंगे तो हम ये क्रेड वापस एटीएम मशीन में लगा देंगे। ये क्रेड हमको वैसे ही लगानी है जैसे हमने निकाली थी दोस्तों, क्योंकि इसमें चार क्रेडें होती हैं और अलग अलग नहीं करनी है हमें, नहीं तो नोटों की काउंटिंग गलत हो सकती है जिससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब ये देखिए हमने 100 के नोटों की क्रेड निकाली है। 100 के नोटों में ये देखिए हमारे पहले से इतने नोट पड़े हुए हैं, तो हम उन नोटों को भी उठा लेंगे। एक और साइज में और इन नोटों को भी हम गिन लेंगे पहले मशीन से। सुनो, ये देखिए हमको पहले से इतने नोट मिल गए हैं। ये देखिए 100 के नोट मैं डाल रहा हूँ इसमें, तो ये पड़ गया और ये इसका ऊपर का कैप या ढक्कन लगा दिया। उसके बाद में ये हम लेके चलते हैं अपने एटीएम में और जिस तरीके से हमने निकाली थी उसी तरीके से हम उसमें लगा देंगे। उसके बाद में एक क्रेड और है नीचे 100 की, वो भी हम निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में उसमें भी हम उसी तरीके से सेम प्रोसेस के तरफ हम कैश की ये नीचे की हमने और नोटों को हमने काउंट कर लिया दोबारा से। ये हमने ऊपर कैप लगाई है और फिर से एटीएम में जिस तरीके से हमने वो क्रेड निकाली थी उसी तरीके से हम लगा देना, ये चेक कर लेना है। और दोस्तों एक बात मैं आपको बताऊँ, अगर आप एटीएम आपके पास है, आप यूज करते हैं, लगाते हैं, तो ये सब काम सर्विलांस कैमरे की नज़र में होना चाहिए। उसके बाद में मैं ये कैश मैंने डाल दिया है एटीएम में, अब इसको लोड कैसे करना है वो भी देख लीजिए। लगाइए, सबसे पहले हम अपना पासवर्ड डालते हैं। ये व्यू काउंटर कर लेते हैं। तो ये व्यू काउंटर में मैंने पहले कितना नोट डाला था, कितना बचा है, ये सब मुझे बताएगा। और इसका मुझे फ़ोटो लेना है, तो ये हम फोटो ले लेते हैं। और ये हमने पुराना डाटा अपना रीसेट कर दिया है रीसेट काउंटर पर जाने के बाद।
और उसके बाद में जो जितना हमने कैश अपना डाला है वो अब हम लोड काउंटर करेंगे। लोड काउंटर में ये आएगा, क्लोज कर दीजिए इसको, 500 का हमने जितना नोट डाला है वो अब हम देख लेते हैं कि हमने 500 का कितना नोट डाला है, उस हिसाब से अपना नोट हम फीड कर देंगे। दूसरी वाली क्रेट में हमने 100 के कितने डाले हैं, 30 नोट डाले हैं। चौथी तीसरी क्रेट में हमने कितने डाले हैं, 33 नोट डाले हैं। अब ये हम इंटर कर देंगे और ये देखिए दोस्तों, हमने जो पैसा डाला वो हमारा पेटीएम में चढ़ गया है। अब हम इसका फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो लेने के बाद में हम ये कैंसिल करेंगे। अब कैंसिल करने के बाद में पूरा कैंसिल कर देंगे, उसके बाद में ये कंज्यूमर कर देंगे। कंज्यूमर करने के बाद में ये कार्ड डिस्पेंसर टेस्टिंग अंडर प्रोग्रेस, और ये हम अपना लॉक डाल देंगे। इसके बाद में ये इसका लेट बंद कर देंगे। अब ये डिस्पेंसर टेस्टिंग अंडर प्रोसेस, ये अब ये चेक कर रहा है कि हमने जो नोट डाला है वो सही है या नहीं सही है। अगर ये सही होगा तो उसमें सब सक्सेस लिख के आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, जितना हमने कैश डाला था वो 3 करोड़ में पैसा हमने डाला है, तो ये देखिए सक्सेस लिख के आ रहा है तीनों में। और इसमें ये 2000 की एक नोट की क्रेडिट है, इसमें हमने कैश नहीं डाला है, तो इसमें एम्प्टी लिख के आ गया। उसके बाद में हम ये कोई भी की दाब देते हैं और हमारा ATM रेडी हो जाएगा, पैसा इससे निकलने लगेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल बरकाती CSP एंड ऑनलाइन सोल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद।